विधानसभा चुनाव 2023 में नामांकन प्रक्रिया जारी है। नामांकन प्रक्रिया के दो दिन अब शेष रह गए हैं। आपको बता दें, पांच दिनों में 200 में से 156 विधानसभा क्षेत्रों में ही नामांकन सामने आए हैं। 44 विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन दाखिल करने वालों का अभी भी इंतजार है। 156 विधानसभा क्षेत्रों में से 526 उम्मीदवारों ने 725 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। तो आपको आंकड़ा बता रहे हैं कि सिर्फ दो दिन शेष रह गए हैं और 156 विधानसभा क्षेत्रों से 526 उम्मीदवारों के 725 नामांकन पत्र सामने आए हैं और अभी भी कई विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशियों के नामांकन पत्र भरे जाने का इंतजार चल रहा है। अब सिर्फ दो दिन शेष रह गए हैं और पांच दिनों में 200 में से 156 क्षेत्रों के नामांकन भरे जा चुके हैं। अभी भी 44 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन दाखिल करने वालों का इंतजार है। 156 विधानसभा क्षेत्रों में से 526 उम्मीदवारों ने 725 नामांकन पत्र भरे हैं। तो आपको बता दें, प्रत्येक प्रत्याशी एक विधानसभा क्षेत्र से 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है और पांच दिनों में 200 में से 156 विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन आए हैं। अभी भी 44 विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन दाखिल करने वालों का इंतजार है और 156 विधानसभा क्षेत्रों में से 526 उम्मीदवारों में से 725 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं। तो आपको बता दें, लगातार तैयारियां जो हैं तेज होती चली जा रही हैं। सभी प्रत्याशी अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। 6 नवंबर आखिरी दिन है नॉमिनेशन फाइल करने का और 7 को इनकी जांच होगी। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। लोकेश, पांच दिन में 200 में से 156 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन भर दिया, लेकिन अभी भी इंतजार है, क्या कुछ जानकारी? लोकेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो आपको बता दें, हम शायद अभी अपने सहयोगी से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि नामांकन प्रक्रिया जारी है। दो दिन शेष रह गए हैं और 200 विधानसभा सीटों में से 156 क्षेत्रों के से नामांकन आ चुके हैं और अभी भी 44 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों का इंतजार है और लगातार नामांकन पत्र भरने का सिलसिला जारी है। आज भी कई दिग्गज नेता अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और 6 तारीख तक सभी प्रत्याशी अपना अपना नामांकन दाखिल कर देंगे, जिसके बाद 7 नवंबर को इनकी जांच होगी और 9 नवंबर तक इनको वापस लिया जा सकेगा। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 10 प्रत्याशियों ने 12 नामांकन पत्र जारी किए। चौमू और चाकसू विधानसभा क्षेत्रों में अभी तक खाता खुलने का इंतजार है। अभी तक एक भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। तो आपको अपडेट दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं उन आंकड़ों की कि अब सिर्फ दो दिन शेष रह गए और कितने प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। जयपुर जिले में अब तक 60 प्रत्याशियों में से 78 नामांकन भरे गए हैं और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी लोकेश ओला जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। लोकेश, सिर्फ दो दिन शेष रह गए हैं और अभी भी कई विधानसभा क्षेत्रों से नामांकन पत्रों का इंतजार है, क्या कुछ जानकारी? तो शायद इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। तो आपको एक आंकड़े दिखा रहे हैं कि नामांकन भरने के सिर्फ दो दिन बाकी रह गए हैं और अभी भी 44 जिलों का इंतजार है। लोकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अपडेट आ रहा है, सिर्फ दो दिन शेष रह गए हैं, क्या कुछ जानकारी प्रत्याशियों को लेकर के, उनके नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीखों को लेकर के? तो ये आंकड़े देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां अभी भी कई विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन भरने वालों का इंतजार हो रहा है। जयपुर जिले में अब तक 60 प्रत्याशियों ने 78 नामांकन दाखिल किए हैं। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 10 प्रत्याशियों ने 12 नामांकन पत्र जमा कराए हैं, लेकिन चौमू और चाकसू में अभी भी इंतजार है।